आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों बूढ़ा हो या जवान, आजकल गंजेपन की समस्या आम हो गई है। यह सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं है बल्कि महिलाएं भी इसका शिकार हो रही हैं। साधारणतः इसे एलोपेशिया भी कहते हैं। यह रोग होने पर बाल जितने जल्दी झड़ते हैं उतने उगते नहीं हैं। दोस्तों पहले हम बालों के झड़ने का कारण जान लेते हैं। बालों के झड़ने के कारण है बालों की जड़ों का कमजोर होना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, रूसी की समस्या, तनाव या अत्यधिक चिंता, सिर में रक्त का संचार अच्छी तरह से ना होना, मेनोपॉज, स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन, आनुवांशिकता, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन और थायराइड की बीमारी। अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो तत्काल इनका इलाज करवाएं। दोस्तों इसके लक्षण क्या होते हैं जरा देख लेते हैं। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं और बाल ज्यादा गिर रहे हैं, या सिर के मध्य में आपके बाल पतले हो गए हैं, या आपके नाखों में रूखापन आ गया है, तो ये आपके गंजेपन के लक्षण हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इनका तत्काल इलाज कीजिए। हम आपको गंजेपन के कुछ घरेलू उपचार बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होंगे। जी हाँ, काली मिर्च। ये सिर्फ व्यंजन का जायका नहीं बढ़ाता बल्कि गंजापन को दूर करने में मदद करता है। काली मिर्च और नींबू का बीज दोनों को अच्छी तरह से पीस कर पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को अच्छी तरह से स्कैल्प पर लगाकर रात भर यूं ही रहने दें। अगले दिन सुबह अच्छी तरह से पानी से धो लें। ये बालों को उगने में बहुत मदद करेंगे। नंबर दो, मेथी के दाने। मेथी गंजेपन को दूर करने में कारगर औषधि है। मेथी के दानों को पीस कर पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को सिर पर जहाँ ज्यादा बाल गिर रहे हैं उस जगह पर लगाएं। इससे बालों का झड़ना कम तो होता ही है, साथ ही बाल उगने भी लगेंगे। कैस्टर ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल गंजापन दूर करने का एक घरेलू उपाय है। यह बाल संबंधी किसी भी समस्या के उपचार में बहुत प्रभावकारी होता है। कैस्टर ऑयल स्कैल्प पर लगाने से ना सिर्फ बालों को पौष्टिकता मिलती है बल्कि बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। आप दोस्तों नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नारियल का तेल हमेशा से ही बालों के लिए बहुत लाभकारी रहा है। यह किसी भी समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है। रात को सोने से पहले नारियल का तेल अच्छी तरह से सिर पर लगाएं और अगले दिन सुबह पानी से धो लें। नारियल के तेल को और असरदार बनाने के लिए नींबू की दो बूंदें डालें। यह मिश्रण बालों का झड़ना कम कर देता है। आप प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज में जो सल्फर होता है वह सिर में रक्त का संचालन अच्छी तरह से करने में मदद करता है। यह गंजेपन का इलाज करने में बहुत ही मदद करता है। जरूरत के अनुसार प्याज के टुकड़ों को काट कर पीस लें। उस पेस्ट में थोड़ा शहद डालकर अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को स्कैल्प पर अच्छी तरह लगा लें। सूखने के बाद पानी से धो लें। यह स्कैल्प से फंगस और जीवाणुओं को दूर करने में मदद करता है। आप स्कैल्प पर सीधे प्याज को लगाकर 10-15 मिनट के बाद बालों को धो सकते हैं। दोस्तों आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दही नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। दही का प्रोटीन बालों का झड़ना तो कम करता ही है, साथ ही गंजापन दूर करने में मदद करता है। दोस्तों आप धनिया का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया का पत्ता दोस्तों सिर्फ व्यंजन को ही आकर्षक नहीं बनाता बल्कि गंजापन से राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। ताजा धनिया के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें और उनको सिर पर लगाएं। इससे बालों का झड़ना कम होने के साथ साथ नए बाल उगने लगते हैं। दोस्तों हमने इतने सारे उपाय आपको बताए हैं जो कोई नहीं बताएगा। आप आराम से जो उपाय आपके पास मौजूद है, घर में मौजूद है, उसको आप करें। आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं और अपने गंजेपन से निजात पा सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।